गुरुग्राम के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे किसानों से मिलने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार किसानों को बड़ा दिल दिखाए और किसानों की मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश का किसान भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से अब जुड़ चुका है और किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार आज बड़ा दिल दिखाए, इस गतिरोध को समाप्त करे किसान की मांगों को मानते हुए, और सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे। पूरे देश का किसान भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ चुका है और संख्या बल जिस प्रकार से बढ़ रही, देश की राजधानी की बॉर्डर पर जिस प्रकार संख्या बल में इजाफा हो रहा है, 17 किलोमीटर लंबा धरना टिकरी बॉर्डर पर, 25 किलोमीटर लंबा धरना सिंघू बॉर्डर पर, मसौदा, ये बिल पे कभी चर्चा ही नहीं हुई, मसौदा ही नहीं था इन 3 बिलों का। ये भारतीय जनता पार्टी जो बहुत झूठी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं देश में, उसका जो प्रचार तंत्र है वो इस तरह की बातें लेके आता है। कांग्रेस का कभी ये प्रस्ताव नहीं था कि देश के किसान का भविष्य औद्योगिक घरानों के हाथ में करके और सरकार पीछे हट जाए। ऐसे में सरकार इस स्थिति की गंभीरता को समझे। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।